हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को लेकर आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है अभी, और जिसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक के प्राइजेस में दिखाई दे सकती है कल के डे में और आने वाले इस वीक में। तो एक एक करके सारे स्टॉक्स को देख लेते हैं जो अभी न्यूज़ में है, काफ़ी हीटेड है। तो बात करते हैं जी एन ए एक्सेल्स की। ठीक है, जी एन ए एक्सेल्स की जो है आज Q3 की अपडेट आई थी। इस अपडेट में जो इसके नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो हुई है वो डिक्लाइन हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुई है। और जिसकी वजह से है आज जो है इसके प्राइजेस जो है कुछ मोर देन 12% की डाउनसाइड आई है। अगर रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो डिक्रीज हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है वो अप गई है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुई है। तो ये रीजन्स थी जी एन ए एक्सेल में जिसके वजह से प्राइस जो है आज वो डंप हुई है। लेकिन जी एन ए एक्सेल जो है वो कंपनी काफ़ी अच्छी है, और इसके बिजनेस की बात करें तो इसके बिजनेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छी बिजनेस में पकड़ है। ये ऑटो एंसिलरी की स्टॉक्स हैं। तो जी एन ए के अंदर एक डाउनसाइड के नंबर्स आए हैं, तो आपको ये देखना है कि और भी जो ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स हैं उन पर भी आप नज़र रखिएगा, क्योंकि Q3 के रिजल्ट अभी आने वाले हैं, तो हो सकता है उनके नंबर्स में भी डिक्लाइन आ सकती है, तो केयरफुल रहिएगा। तो जी एन ए एक्सेल्स के अंदर हो सकता है ये जो बियरिश मोमेंटम है जो और ज़्यादा कंटिन्यू हो सकता है, तो आपको इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसके अंदर सेलिंग करने की, शॉर्ट करने की। तो इसे भी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करके रखिएगा। और अगर आप जी एन ए के अंदर होल्ड करते हैं तो बिल्कुल भी होल्ड कीजिए, ये डेफिनेटली वापस अपने न्यू हाई के ऊपर जाएगा। और जो सेकेंड स्टॉक है वो दीपक नाइट्राइट है। देखिए, दीपक नाइट्राइट के अंदर आज जो है कह लीजिए इस क्वार्टर में, जो Q3 की क्वार्टर चल रही है, इसी क्वार्टर में इसने LIC ने जो है स्टेक बाई किया है। तो LIC के पास जो अभी टोटल स्टेक है मोर देन 3% है, 3% से ऊपर की स्टेक इसके पास आ गई है। और ये न्यूज़ जो है वो आज पब्लिश हुई, जिसके वजह से आज जो है इसके अंदर एक 2% की जो है अपसाइड लगी है। लेकिन अगेन आप ये बात को भी ध्यान रखिएगा कि बाकी के जो केमिकल सेक्टर्स हैं वो आज के दिन इतना नहीं चले जो दीपक नाइट्राइट चली। तो क्लियरली ये जो चली है आज वो सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से ही अपसाइड गई है। लेकिन दीपक नाइट्राइट के अंदर अभी बहुत ही अच्छी एक अपसाइड मूव भी दिखाई देती है, करेंटली जो है वो बुलिश मोमेंटम में भी दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल इसमें आपको बाय करके चलना चाहिए, और जो टारगेट है वो 3000 का टारगेट तो मुझे लगता है ये वापस आपको जरूर देगा। तो बिल्कुल भी इसके अंदर होल्ड करके चलिए, और चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो अभी न्यूज में चल रही है। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो JBM ऑटो है। अगर मैं JBM ऑटो की बात करूँ तो जो एक तो ऑलरेडी जो है वो अपसाइड के मूव में था ही, ठीक है, क्योंकि इसकी जो न्यूज आई थी स्प्लिट होने की, और उसके साथ ही साथ आज जो है इसने जो है अपनी स्टेक को बढ़ा लिया, मोर देन 50% की स्टेक ले ली इसने। तो JBM ने अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू JBM ग्रीन एनर्जी, ठीक है, JBM ग्रीन एनर्जी में इसने अपने स्टेक को 50% कर दिया, मोर देन 50%, जिसके वजह से अब ये डायरेक्ट JBM के कंट्रोल में आ गई है, JBM ग्रीन एनर्जी। तो JBM ऑटो जो है अभी काफ़ी अच्छी ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है। अगर आपको इसमें बाय के पोजीशन बनाना है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज आई, ये जो एक्वायरमेंट हुई है 50% के सब्सिडरी, और साथ ही साथ जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, और आज जो अपर सर्किट लगी, हो सकता है कल भी ये प्राइजेस ऊपर जाएंगे इसके, मे भी कल भी ऊपर सर्किट लग सकती है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो रामा स्टील है। तो अगर आप रामा स्टील के अंदर देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बाई चल रही है, और अगर आप इसके 5 या 6 दिन पहले अगर आपने बाई किया होगा तो ऑलरेडी आपके पास वो पैसे डबल हो गए होंगे। कुछ दिन पहले जो 28 दिसंबर 29 दिसंबर, मतलब 1 तारीख के पहले जो प्राइजेस थे इसकी लेस देन 260 रुपीज़ थे, 260 रुपये से भी कम था, और आज की जो प्राइजेस है वो 450 की है। अप्रॉक्स नियर बाई ये डबल के होने पे ही है, डबल हो ही जाएगा आप कह लीजिए, क्योंकि अभी जो न्यूज आई है ये रामा स्टील जो है वो टाइप की है हांगकॉन्ग की कंपनी से, ठीक है, हांगकॉन्ग की कंपनी जो है वो टाइप की है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 ईयर, और ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी हो सकता है। स्टील की सप्लाई, स्टील जो है वो रामा स्टील जो है वो स्टील सप्लाई करेगी हांगकॉन्ग की कंपनी को, और ये जो हांगकॉन्ग की कंपनी है वो नाइजीरिया में स्टील को सप्लाई करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ एक और न्यूज़ ये भी है कि रामा स्टील जो ये कंपनी है ये नाइजीरिया में ही अपनी ही एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोलने वाली है, एक फैक्ट्री ओपन करने वाली है। तो ये 2 बिग न्यूज़ है रामा स्टील के अंदर। पहली जो न्यूज़ है खुद की एक फैक्ट्री भी बना रही है नाइजीरिया में, और सेकंड जो न्यूज़ है वो टाइप किया है हांगकॉन्ग की कंपनी से स्टील को सप्लाई करने के लिए, स्टील को एक्सपोर्ट करने के लिए।
दो बिग न्यूज है। तो मुझे लगता है ये जो आज जो अपर सर्किट लग रही है ये और ज़्यादा कंटिन्यू चल सकती है, अभी और भी ज़्यादा ऊपर ये जा सकती है अभी। तो अगर आपके पास इसके स्टॉक्स हैं तो बिल्कुल भी होल्ड कीजिए, और अगर नहीं है तो कुछ प्रॉपर रिस्क और रिवार्ड के साथ आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगेन ऑल टाइम हाई है, अपर सर्किट की स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है, तो केयरफुल रहिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज जो है ये कुछ +3% है, 3% के ऊपर क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसकी Q3 की अपडेट की बात करूँ तो देखिए ये Q3 अपडेट आई है, कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी Q3 की जो रिजल्ट है उसे पब्लिश की है, ठीक है। कासा की जो रिपोर्ट है, कासा की रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई है, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। साथ ही साथ जो लोन की डिसबर्समेंट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लोन की डिसबर्समेंट है उसमें भी काफ़ी अच्छी गेन मिली है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट बात ये है, कासा की जो रिपोर्ट आई वो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है, ठीक है। कासा के अंदर जो है ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोस्ट की है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, और साथ ही साथ जो लोन की जो डिसबर्समेंट है, जो कंपनी ने लोन बांटे हैं वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं Q3 की जो अपडेट आई है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में वो काफ़ी अच्छी आई है, और जिसकी वजह से ही आज जो है इसके अंदर एक बुलिश कैंडल बनी है, एक बुलिश मोमेंटम बनी है। लेकिन अगेन लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा, सूर्योदय के अंदर जब से ये IPO आया है मार्केट जो है इसके ऊपर गई ही नहीं है, कंटिन्यू नीचे की तरफ ही जा रही है। तो अगर आपके पास फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है तो आप बहुत ही सोच समझ कर इसके अंदर एंट्री लेना, क्योंकि अभी तक की जो इसके परफॉर्मेंस है चार्ट पे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कल के दिन भी और आने वाले इस वीक में भी इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम बनी रह सकती है, क्योंकि जो रिजल्ट अगेन जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसे आप नज़र में रखिएगा, अगर इसके अंदर बुलिश मोमेंटम आती है तो हो सकता है ये जो है अपने जो स्विंग हाई है यहाँ पे आए 190 के लेवल तक भी आ सकती है, मतलब 200 के लेवल तक ये जा सकती है। अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहती है तो वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करके रखिएगा। तो ये जो मैंने स्टॉक्स बताए उन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो सकती है कल के दिन, या फिर इस वीक में पूरी एक्टिविटी हो सकती है, एक बुलिश मोमेंटम हो सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स को आप ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, और साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए ये कुछ स्टॉक की लिस्ट है जिसकी रिजल्ट जो है Q3 के जो रिजल्ट है वो कल के दिन आने वाली है। तो इन स्टॉक में भी अगर आप चाहें तो इन्हें वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, इनकी रिजल्ट जो है कल आएगी। तो हो सकता है कि कल के दिन इन स्टॉक्स के अंदर भी अच्छी मूवमेंट आपको आ सकती है। तो ये जो पोस्ट है, इस तरह के पोस्ट मैं एक्चुअली ट्विटर हैंडल पर देता रहता हूँ, तो अगर आप मेरे ट्विटर को भी फॉलो करना चाहें तो आपको लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से आकर फॉलो कर सकते हैं, इस तरह के पोस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर मैं आपको कुछ ऐसे भी स्टॉक्स बता देता हूँ जो काफ़ी ब्रेकआउट के करीब है, मतलब ऑल टाइम हाई के पास है ये स्टॉक्स, ठीक है, कुछ ऐसे स्टॉक की भी लिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे इन स्टॉक को भी ऐड कर सकते हो जो ब्रेकआउट दे सकते हैं कल के दिन या फिर इस वीक में। तो सबसे पहले जो है वो टाइटन है, अगर आप टाइटन को देखेंगे तो ये जो थी उसकी ऑल टाइम हाई थी ये वाली जो जोन है, और ये जो लेवल है वो 2670 की है। और अगर मैं आज की आप क्लोजिंग देखेंगे, अगर आज की क्लोजिंग देखेंगे तो काफ़ी क्लियर एक नियर बाई लेवल पे ही आकर क्लोजिंग हुई है, तो पॉसिबिलिटी कि कल एक बिग कैंडल बन सकती है इसके अंदर टाइटन के अंदर। तो कल आप टाइटन को जरूर वॉच लिस्ट में ऐड करके देखिएगा, एक ब्रेकआउट आ सकती है। अगर मैं सेकंड स्टॉक पर बात करूं तो सेकंड स्टॉक जो है वो LNT है, ठीक है, LNT अगर आप देखेंगे तो इसने जो लेटेस्ट जो न्यू हाई बनाई थी, जो स्विंग हाई थी इसके 1970 के आसपास की थी, ठीक है, 1970 आप रख लीजिए, और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल ही इसके आसपास ही क्लोजिंग हुई है, 1950 के आसपास, और एक बुलिश मोमेंटम की कैंडल भी बनी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके ऊपर कल के दिन जो है एक ब्रेकआउट आ सकती है, एक बिग कैंडल बन सकती है कल के दिन या फिर आने वाले इस वीक में। तो अगर आपके पास LNT में ऑलरेडी पोजीशन है तो बिल्कुल भी होल्ड कीजिए, एक ब्रेकआउट आ सकता है, और अगर पोजीशन नहीं है तो आप वॉच लिस्ट में इसे ऐड कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक जो एक ब्रेकआउट दे सकता है वो ग्रैसीम है, ठीक है, ग्रैसीम इंडस्ट्रीज। अगर मैं आप इसकी हाई को देखेंगे, स्विंग हाई जो इसने बनाई थी वो कुछ 1890 की थी, ठीक है, और आज के जो क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 1834 की है, ठीक है, 1834,
और अगर इसकी बुलिश मोमेंटम को देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम है, कंटिन्यू बाइंग आ रही है। तो ऐसा ज़्यादा चांसेस है कि इस वीक में या फिर कल कभी ना कभी ये वापस 1890 के लेवल को टच करेगा और इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास ग्रैसिम के अंदर भी पोजीशन है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप बिल्कुल भी होल्ड कीजिएगा। और अगर आपको पोजीशन नहीं है तो आप पोजीशन बना सकते हैं, एक ब्रेकआउट आ सकता है इसके अंदर। तो ये चार स्टॉक जो ब्रेकआउट के स्टॉक्स हैं, ये आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। और अगर इसी तरह के स्टॉक्स आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इन स्टॉक्स से रिलेटेड एंट्री एग्जिट किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें।